ताज नगरी आगरा में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश विनय श्रोतिया मारा गया। श्रोतिया पर 50 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ माफिया विनय श्रोतिया आखिरकार बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया है। दरअसल विनय श्रोतिया को फिरोजाबाद के लाइन पार थाना इलाके की जिला जेल में 13 जुलाई 2022 को दीवानी में पेश के लिए लाया गया था, जहां से वो सिपाही को गच्चा देकर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया था। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी उसकी तलाश में जुटी थी। उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। कुख्यात बदमाश विनय पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। अकबरा गांव के पास हुई मुठभेड़, पुलिस को बुधवार सुबह सूचना मिली कि विनय श्रोतिया अपने साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा है। इस पर एसटीएफ और सिकंदरा की पुलिस ने बदमाश का पीछा किया। सिकंदरा गांव में पुलिस ने बदमाश को घेर लिया, जिसके बाद विनय श्रोतिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। घने कोहरे में हो रहे एनकाउंटर के दौरान एक गोली विनय श्रोतिया के सीने पर जाकर लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनय श्रोतिया, जिसके ऊपर आगरा, फिरोजाबाद, एटा में कुल मिला के 57 मुकदमे अभी तक ज्ञात हैं जो पंजीकृत थे, जिसमें 27 लूट के मुकदमे हैं, 5 हत्या के प्रयास हैं और विभिन्न धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं, जो पुलिस कस्टडी में 14/7/2022 को पुलिस कर्मियों को घायल करके फरार हो गया था। वो रात को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि विनय श्रोतिया आगरा से मथुरा जाने वाला है, कोई बड़ी वारदात करने वाला है। इस दौरान हमारी सीओ साहब के नेतृत्व में 2 टीमें बनी। दोनों टीमों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की। विनय श्रोतिया को हमारे पूर्व के साथी, जो उसको पहले गिरफ्तार कर चुके थे, उसको पहचानते थे। विनय श्रोतिया को रोकने का इशारा किया, विनय श्रोतिया रुकने की बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी फायर में विनय श्रोतिया को गोली लगी, जिसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।